एमपी के पुनासा जनपद के सात मोहनी पंचायत में तीन पंचायतों के 51 पंचों को ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में पंचों की भूमिका विषय पर दिया गया प्रशिक्षण। पत्रक के साथ बैगों का किया गया वितरण। पंच बोले, 150 रुपये महीना वेतन देना पंचों को सम्मानजनक कहा है। पंचायत में समिति बनाने की भी बात रखी गई। पंचायत में पंचों की विकास में भूमिका को लेकर पुनासा जनपद में पंचायत को मिलाकर कैंप लगाए जा रहे और पंचों को उनकी भूमिका बताई जा रही है। इसी कड़ी में पुनासा जनपद के ग्राम पंचायत सात मोहनी में गुलगांव, रैयत, जामकोटा इन तीन पंचायत के 51 पंचों के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इसमें सरकार की योजना संभल, अंत्येष्टि योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य विषय पर पंचों को किस तरह से काम करना है ये बताया गया। वहीं प्रशिक्षण वर्ग में पंचों शासन के द्वारा जो 150 रुपये मानदेय दिया जा रहा है उससे उस पर सवाल उठाते हुए बोले, इतना 150 रुपये मानदेय देना कहाँ तक सम्मानजनक है। इसके साथ ही पंचायत में समिति बनाने के साथ अन्य विषय को लेकर अपनी मांग रखी गई। मैं ग्राम पंचायत गुड़गांव रही हूँ मजाक और वर्तमान में सरपंच के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो भी विकास योजना है और कार्य पंचायत के अधीन आते हैं उस समय सबको विश्वास में लेके और उस काम को किया जाए, क्योंकि कभी कभी तो पता भी नहीं रहता कि कौन सा काम हुआ है, क्या काम हो जाता है, अवगत कराया जाए। मेरा शासन से एक निवेदन है कि जो अंत्येष्टि योजना के 5,000 रुपये दिए जाते थे और आज भी दिए जाते हैं, तो उससे मैं शासन से ये हाथ जोड़कर उन्हें निवेदन करता हूँ कि अंत्येष्टि योजना का सही साथ मतलब यही है कि जिस समय किसी व्यक्ति के घर में कोई मौत हो जाती है तो उसे तुरंत वो राशि दी जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।